हेलो एवरीवन, वेलकम है रूबीज क्रिएटिव बालकनी गार्डन में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हमारे दिल्ली में हुई है खूब बारिश और ये लगभग सुबह का 11 बजे का है, तो देखिए अभी भी लग रहा है कि बारिश होगी। मौसम बिल्कुल साफ नहीं लग रहा है। तो इस बार हमने अपने गार्डन में सीजनल प्लांट नहीं ऐड किए ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है सीजनल प्लांट में, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में नहीं बच पाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उसको फिर से हटाइए और दूसरा प्लांट लगाइए। और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो ज़्यादातर मुझे परमानेंट प्लांट ही पसंद आते हैं। पर सर्दियों के इतने सुंदर फूल होते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं गार्डनर। और फिर से आ गए हैं हमारे गार्डन में कुछ सीजनल प्लांट। और ये देखिए नस्टेशियम में बीज बनने लगे हैं, 2 बीज बने हुए हैं, तो मैंने छोड़ दिया है बीज बनने के लिए। और हमने पिटोनिया लगाया था 3, तो 2 में सेम कलर निकल गया है, पर्पल कलर। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक थोड़ा सा डार्क होगा पर्पल कलर, ये वाला देखने में बहुत ही सुंदर है इसका फ्लावर पिटोनिया का, ये फर्स्ट फूल है इसमें। और एक का पता नहीं है, अभी उसमें एक भी फूल नहीं खिला है, तो देखते हैं कि किस तरह का कलर निकलता है उसमें। तो इस बार हमने अपने दिल को बहुत समझाया और मन को बहुत मनाया कि मुझे ज़्यादातर सीजनल प्लांट नहीं लगाने हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो देख लीजिए आप लोग, फिर से आ गया है हमारे यहाँ डहलिया हमारे गार्डन में। तो इसको हम नहीं लेके आए हैं, मेरे हस्बैंड ही लेके आए हैं 4 पौधे, 2 डहलिया के और 2 पैंची। और डहलिया के दोनों प्लांट एक जैसे ही हैं रेड कलर में, बस एक में ज़्यादा वाइट दिख रहा है और एक में कम, इसमें कम है, पर फ्लावर बहुत ही सुंदर है देखने में। और ये है पेंजी, तो इसका भी फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है, बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ये बटरफ्लाई की तरह ही फूल निकलता है इसमें। तो ये है पर्पल और वाइट कलर में। और दूसरा वाला वाइट और ब्लू में है, ये भी बहुत सुंदर है देखने में। तो हमें उतने ही पौधे रखने चाहिए जितने पौधों का हम देखभाल कर सकें, और आपके पास कितना टाइम है उसी के हिसाब से पौधे रख सकते हैं। मेरे पास तो पौधों के लिए बस 1 घंटे टाइम है, तो उसमें वीडियो एडिटिंग कर लूं या पौधों की देखभाल, क्योंकि इसके अलावा और भी घर में काम होते हैं जो कि करना ज़रूरी होता है। और ये सब गुलदाउदी के प्लांट ख़राब होने लगे हैं, फूल इसके सूख रहे हैं, तो इसको भी कट करना पड़ेगा। फरवरी के महीने में गार्डन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सारे पौधों की गुड़ाई और खाद देना और सूखे हुए फूलों को हटाना। हमारे गुलदाउदी के प्लांट में कीड़े भी लग गए हैं ब्लैक वाले, तो उसको भी मुझे कट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।